अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू मटर की कढ़ाई। ये देखिए ऑयल ले लिया है, इसमें डालना है अदरक लहसुन, एक चम्मच अदरक लहसुन लिया है। अब इसमें जाएंगे आलू और प्याज। दो प्याज हैं और तीन हमने मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। इसको चलाएंगे। अब लगाएंगे हरी मिर्च पर ऐसे कट और इसको काट के डाल देंगे इसमें। इसी तरह बाकी भी डाल देंगे। अब इसमें जाएंगे दो से तीन टमाटर जो हमने रफली काट लिए हैं। इसको अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें करेंगे मसाले शामिल, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी इसमें जाएगी रेड चिल्ली पाउडर, और ये कढ़ाई का मसाला, ये लिंक डिस्क्रिप्शन से आप ले लेना, डेढ़ चम्मच बस ये मसाले हैं इसके। इसको हम भून लेंगे थोड़ा। ज़रा सा हम इसमें धनिया पाउडर मिक्स कर देंगे। अब इसमें जाएंगे फ्रोज़न मटर। और इसमें जाएगी ये शिमला मिर्च, ये सोया, ये हरा धनिया, तो हम करेंगे फ्राई। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं, इसका अपना एक फ्लेवर है, सब्जियों का अपना एक फ्लेवर होता है, वो आना चाहिए।
ये रेडी है आलू मटर कढ़ाई। सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए हम दम देंगे, दम पर लगा देंगे और ये हो जाएगी रेडी। अब हम हटाते हैं इसका कवर और इसमें ये ऐड कर देंगे चिकन क्यूब और इसको मिक्स करेंगे। और इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा इसे कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेते हैं। शिमला मिर्च और मटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसमें क्रंच आना चाहिए, इसमें क्रंच ज़रा अच्छा लगता है। ये देखें रेडी है हमारी आलू मटर कढ़ाई।